खैरियत से हैं, तबीयत से आप लोगों की ठीक है। कल मैं वीडियो देख रहा था, एक सुनी भी है ये र्यूमर मैंने काफ़ी ज़्यादा, के जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर जो राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं वो बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर कि BMBS जो कि रिप्लेस होने वाला था इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के सब्जेक्ट के साथ, और उसके हवाले से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब उस हवाले से हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि वहाँ पर जो टीचर पढ़ाते, मैं अब उन्हें बाई नेम तो मैं नहीं बता सकता, पर उन्हीं ने ही बताया कि उन्होंने जो कहा कि इस तरह से चेंजेस आने वाली हैं और ये वो स्टूडेंट्स को डबल माइंडेड कर दिया, इवन के काफ़ी परेशान कर दिया। तो उसके बाद उसके रिप्लाई में ही एक बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं पैक के, उन्होंने बताया है कि जो चेंजेस हैं वो कम से कम एक साल पहले बताई जाएंगी जो भी चेंजेस आएंगे। और अभी तक इवन के 2021 की जो CS स्टूडेंट्स के लिए स्कीम है वो भी अभी तक प्रॉपर तौर पर अप्रूव नहीं हुई, जस्ट वो स्कीम बनी पड़ी है, उसको अप्रूव होना बाकी है, और अप्रूव होने के बाद भी एटलीस्ट स्टूडेंट्स को साल मिलेगा। तो उस अटैम्प्ट के लिए जिसमें चेंजेस लागू होंगी हम पर, उसमें भी अभी तक पूरा साल पड़ा है, यानी कि वो जाकर अब इस वक्त अगर उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन की शर्त बनती है तो वो बनती है मार्च 2021। तो मार्च 2021 से पहले ये BMBS अब कहीं नहीं जाने वाली। तो चेंजेस हाँ थोड़ी बहुत वैसे कंटेंट के अंदर कर दे, एडिशन डिलीशन या फिर वैसे ही कोई बात डाल दे आई कैप तो अलग बात, पर अदरवाइज कोई एज सच बड़ी चेंज नहीं आने वाली, ना ही कोई एक्सपेक्टेड है। तो तमाम स्टूडेंट्स रिलैक्स रहें, फोकस्ड रहें अपनी स्टडी पर, और इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।